हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, वो भी बिना गुणा करें, ठीक है। बिना मल्टीप्लिकेशन के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। यहाँ पे लिखें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625, ठीक है। ये आपको याद हो गया। उसके बाद आप देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको जोड़ घटाना करना है। जैसे 28 लिखा अपन ने, ठीक है, 28 में से घटाया 25 को, कितना आया 3, ठीक है। अब 25 में से 3 को घटाओ, 25 में से इस 3 को घटाओगे कितना आएगा 22, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस नंबर का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है, इस नंबर का स्क्वायर करना है 22 का। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, ठीक है। और इस 3 के आगे 2 0 चिपका के जोड़ देना है। ये आ गया आपका भैया 28 का स्क्वायर, 4 8 7। यही आसान ट्रिक है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन से आपको और समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए अपन को निकालना है 31 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, 31 में से 25 घटाओ, 31 में से 25 घटाओ, 11 में से 5 गए 6 बचे, ठीक है, ये आ गए 6। अब क्या करना है, अब 25 में से 6 को घटाना है, 25 में से 6 घटाओ कितने बचेंगे, अब बोलो उसे 15 में से 6 गए 9 बचे, और इधर 1 में से 1 0 गया 1 बचा, 19 आ गया, ठीक है। अब लिखना है अपन को 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलो सर 19 का स्क्वायर होता है 361। इस 6 के आगे 2 0 चिपका के जोड़ दो, 6 6 3 9, ठीक है, 961 आ गया। और देखिए आप 38 का देखते हैं, 38 में क्या करना है, कोई 38 लिखा, इसमें से घटाया 25, कितना आया 8 में से 3 गए 5 बचे, 8 में से 5 गए 3 बचे, और 3 में से 1 गया 2 बचा। अब 25 में से 13 घटाना है, 5 में से 3 गए 2 बचे, और 2 में से 1 गया 1 बचा, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, और 13 के आगे 2 0 चिपका के जोड़ दो, 4 4 4 4, ये आ गया भैया 38 का स्क्वायर, ठीक है। अब निकालते हैं अपन 62 का, ठीक है। 62 में क्या करना है, 62 लिखा, 25 कम करो, 12 में से 5 गए 7 बचे, और 5 में से 2 गए 3 बजे, 37 आ गया। अब ये तो 37 से बड़ा तो माइनस में आएगा, तो आने दो, माइनस में आने से कोई दिक्कत नहीं है, अपना आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अपन को नीचे वाले नंबर का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 37 में से 5 गए 7 में से 5 गए 2 बचे, और 3 में से 2 गए 1 बचे, कितना आया 12, 12 का स्क्वायर 144, और इस नंबर के आगे 2 0 चिपका के जोड़ना है, 37 00 4 4 8 3, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और देखते हैं, और अब आप निकालते हैं 68 का, 68 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 कम करो, 8 में से 5 गए 3 बचे, 6 में से 2 गए 4 बचे, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस 13 में से 5 गए 8 बचे, इधर 3 में से 2 गए 1 बचे, इस नंबर का चाहिए अपन को क्या स्क्वायर, 18 का स्क्वायर बोलो ना कितना होता है, 324, ठीक है, 18 का स्क्वायर होता है 324, और 43 के आगे 2 0 चिपका के जोड़ दो, क्या हो गया 4 2 6 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, 72 का और निकाल लेते हैं। 72 में से कम करो क्या 25, 72 में से 25 कम करें, 12 में से 5 गए 7 बचे, इधर 6 में से 2 गए 4 बचे, 47 आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 7 में से 5 गए, अब बोलो 7 में से 5 गए 2 बचे, और इधर 4 में से 2 गए 2 बचे, 22 का स्क्वायर, अभी याद कराया था 484 होता है, 47 के आगे 2 0 चिपका के जोड़ दो, 4 8 7 4 11 की 4 और 1 5, 51 84, ठीक है। अब अपन निकालते हैं 75 से बड़े नंबर और 100 के बीच के नंबर का। अब इसमें क्या भैया, इसमें यूज़ करेंगे अपन 100 का,
तो ऊपर लिखो 100, 100 में से घटाओ 76 को, 100 में से 76 को घटाया बचे कितने 24, ठीक है। अब 76 में से 24 घटा दो, 76 में से 24 घटाया बचे 2, और 7 में से 2 गए बचे 5, ठीक है। तो इस बार स्क्वायर अपन को इस बीच वाले नंबर का लिखना है, 24 का स्क्वायर 576, और इस 52 के आगे 2 जीरो चिपका के जोड़ देना, कितना हो जाएगा 6775, ठीक है। ठीक है आई समझ में, इस बार स्क्वायर अपन को ये बीच वाले नंबर का लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि अपन को स्क्वायर 25 तक ही याद है, अपन को 52 का स्क्वायर तो याद नहीं है, जिसका याद है उसी का तो लिखेंगे, ठीक है। और देखते हैं अपन 79 का, देखो 100 में से 79 कम करो कितना आया, तो अब बोले सर 10 में से 9 गए 1 बचे, इधर 9 में से 7 गए 2 बचे, 21 आ गया। अब इसको कम कर दो 79 में से, 9 में से 1 गया 8 बचे, और 7 में से 2 गए कितने बचे 5 बचे, ठीक है। 21 का स्क्वायर होता है 441, और 58 का स्क्वायर करना ही नहीं है, 58 के आगे 2 जीरो चिपका के जोड़ना है, 1 4 8 4 12 2 हासिल किया, 1 5 और 1 6, ठीक है। एक और देखो 97 का, तो 100 में से 97 कम करो बचे कितने 3, ठीक है। अब इस 3 को 97 में से 3 और कम करना है अपन को, 7 में से 3 गए 4 बचे, 9 में से 0 गए 0 बचे, मतलब 9 बचे, ठीक है। 3 का स्क्वायर आप बोलोगे 9, और 94 के आगे 2 जीरो चिपकाना है और जोड़ देना है, क्या आ गया 9409, ठीक है। अगर ट्रिक पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल बनाए हुए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।